आदाब नमस्कार। मेरी नई एडवर्टाइजिंग सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूं जहां मैं आपसे बात कर रहा था कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कैसे बनती हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको कि जब भी आप काम करना शुरू करें किसी कैंपेन पर, तो तीन पीज हैं, पी लाइक द इंग्लिश लेटर पी, उनमें थोड़ा सा पहले गौर करना ज़रूरी होता है। जैसे पहला पी इज फॉर प्रोडक्ट, कि आपका उत्पाद क्या है, कि जो भी चीज़ आप एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको अब कैंपेन लिखनी है, पहले उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रोडक्ट है क्या चीज़। स्टडी करिए उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से, राइट फ्रॉम दी कि वो प्रोडक्ट और उत्पाद बनता क्या है, बनता कैसे है, बनने के प्रोसेस क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसको लोग बेचते कैसे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, सेल सिस्टम क्या है, मार्केटिंग तो बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, उसको भी समझना होगा आपको। अब अगर सबसे पहले मैं आपको कहूं कि आपको प्रोडक्ट समझना है, तो प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको पहले देखना होगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो कोई ज़रूरत जो है, इंसानी ज़रूरत, उसको पूरा करता है या नहीं करता। अब मिसाल के तौर पर अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को आप ले लें, तो जाहिर है कि ये एक बेसिक नीड जो है घर की, कपड़े धोने की, उसको पूरी करती है। पहले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, मुझे नहीं मालूम आजकल उनकी तादाद क्या है, जहाँ पर एक बार कपड़े साबुन में भिगा दिए जाते थे और वो मशीन उस पर जितना काम कर सकती थी करने के बाद फिर उसको आपको उठाकर दूसरे टब में डालना पड़ता था जहाँ पर मशीन उसे धोती थी। अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आने लगी हैं जिसमें सारा कुछ प्रोग्राम किया हुआ होता है, आपको कपड़े डालने होते हैं, डिटर्जेंट डालने होते हैं और प्रोग्राम के मुताबिक सेट करके मशीन स्टार्ट कर देनी होती है और मशीन अपने आप सारे कपड़े धोती है। घर में जिसके ज़िम्मे भी लॉन्ड्री का काम है, उसको मशीन के सामने खड़े रहने की बहुत देर तक ज़रूरत नहीं होती, मशीन खुद ही साबुन मिलाकर कपड़े को एक बार धो लेती है, फिर उसके बाद रिंस भी कर लेती है, फिर उसके बाद ड्राई भी कर देती है, उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर देती है। इस तरह से जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो एक डेफिनेट नीड को पूरा करती है, जबकि परफ्यूम या आफ्टर शेव लोशन किसी डेफिनेट नीड को पूरा नहीं करते। कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली कि अगर आप बगैर आफ्टर शेव लोशन लगाए या बगैर परफ्यूम लगाए घर से बाहर निकलें तो कोई बड़ी दिक्कत होगी। परफ्यूम और आफ्टर शेव लोशन इंसान के उस डिज़ायर को पूरा करती है जो बरसों से उसके अंदर है, छुपी हुई है, कि मुझे अच्छा दिखाई देना है, मेरे पास से औरों को अच्छी खुशबू आनी चाहिए ताकि लोग
मुझसे दूर ना भागे, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। कई बार परफ्यूम, आफ्टर शेव लोशन को रोमांस से भी जोड़ा जाता है। माना कि रोमांस भी एक ज़रूरत है, बट वो बेसिक ज़रूरतों में नहीं आती, इसलिए हम उसको डिज़ायर मानकर चलते हैं। अब जैसे किसी ज़माने में मोबाइल फ़ोन आए, जब मोबाइल फ़ोन आए थे तब वो हर एक की ज़रूरत नहीं थे। इसीलिए जहाँ तक मुझे याद है कि जब मोबाइल फ़ोन भारत में आए, उस समय इनकमिंग कॉल के भी 16 रुपये प्रति मिनट देने पड़ते थे और आउटगोइंग कॉल के भी 16 रुपये प्रति मिनट देने पड़ते थे। इसलिए जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो लोग बिजनेस धंधे में थे, जो बड़े एग्जीक्यूटिव थे, उन्हीं के पास मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे और एक ज़माने में ये स्टेटस सिंबल था। फिर उसके बाद राजीव गांधी ने के साथ सैम पिट्रोडा ने जो कंप्यूटर और आईटी रिवॉल्यूशन की कैंपेन पे काम शुरू किया, उसकी वजह से मोबाइल फ़ोन आम से आम लोगों तक पहुंचने लगे और वो 16 रुपये प्रति मिनट के इनकमिंग कॉल और 16 रुपये प्रति मिनट के आउटगोइंग कॉल, आप आज खुद ही देख सकते हैं, मुझे नहीं पता है 50 पैसा या 1 रुपया, बिकॉज मेरा तो बिल आता है, मैं भर देता हूँ। अब आपको वो फ़ोन हर एक के हाथ में नज़र आते हैं। मोबाइल फ़ोन अब ज़रूरत बन गया है, जो किसी ज़माने में लग्जरी हुआ करता था। जैसे रेफ्रिजरेटर आजकल ज़रूरत बन गए हैं घर में, जो किसी ज़माने में लग्जरी हुआ करते थे। कार्स, वो बाइक्स, स्कूटर्स आजकल ज़रूरत बन गए हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको उतने कंफर्टेबल ढंग से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में नाकाम है। इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि कम से कम एक साइकिल तो हो मेरे पास, ताकि जहां तक पहुंचना है मैं पहुंच सकूं। इसी तरह जब फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में पहुंचने लगे, तब फ़ोन में एक अलग रिवॉल्यूशन आया। फ़ोन में इंटरनेट को इंटीग्रेट किया गया और फिर आया स्मार्टफोन्स, आईफोन, जो एक ज़माने में स्टेटस सिंबल हुआ करता था, आज काफ़ी लोगों के हाथ पे नज़र आता है। तो प्रोडक्ट तो देख लीजिए, आज भी स्मार्टफोन शायद हर एक की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो होता है वो लोग जिनके लिए स्मार्टफोन ज़रूरी है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनको मेल्स भेजने होते हैं एक दूसरे को, जिनको कम्युनिकेट करना होता है, चीज़ें एक दूसरे को पहुंचानी होती हैं, जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा अब ये कुछ लोगों के लिए डिज़ायर भी बन गया है कि उनकी ज़रूरत शायद एक दूसरे को फ़ोन करना, मैसेज भेजने तक हो, बट अगर स्मार्टफोन हाथ में हो तो शायद आदमी ज़्यादा स्मार्ट लगता है। इसलिए आजकल बच्चे आम फ़ोन की तरफ देखते भी नहीं। खैर, तो कहने का मतलब ये था कि ये समझ लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी ज़रूरत को पूरी कर रहा है या किसी डिज़ायर को फुलफिल कर रहा है।
क्योंकि अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल है या आपको सक्सेसफुल करना है उस प्रोडक्ट को अपने कैंपेन के ज़रिए, तो ये ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट से या तो कोई ज़रूरत पूरी हो, डेफिनेटली ज़रूरत पूरी हो, या फिर वो कंज्यूमर के किसी डिज़ायर को पूरा करे। अब इसके बाद फिर आपको करना होता है कि मैंने अपना प्रोडक्ट तो समझ लिया, उसका सारे तौर तरीके, वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या जाता है, क्या क्या नहीं होता है, वो समझ लेने के बाद आपको उसके जो कॉम्पिटिटर हैं या फिर जो पॉसिबल कॉम्पिटिटर हो सकते हैं लिटिल फार ऑफ, उनकी सारी हरकत को स्टडी करना होता है कि वो कैसे बन रहे हैं, उनमें क्या है, मुझ में क्या है, मुझ में क्या नहीं है। जब आप कंपटीशन को पूरी तरह से स्टडी कर लेते हैं, तब आपको वो गैप नज़र आने लगता है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को रखकर कंज्यूमर के दिमाग में कहीं एक जगह बना सकते हैं अपने लिए। क्योंकि स्टडी में आपको मालूम होगा कि या तो मेरे पास खुद अपने प्रोडक्ट में कोई एक फ़ायदा है जो कंपटीशन में नहीं है, या फिर कंपटीशन में भी वो फ़ायदा है लेकिन फ़िलहाल वो उसे क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्लेम कर लें तो वो आपके एडवर्टाइजिंग प्रॉपर्टी बन जाता है, और जैसे कोई दूसरा फिर ये कहता नहीं मेरे में भी है ये। मसलन जब हम किया करते थे लिम्का पे काम, तो हमने लिम्का को पोजीशन किया था एज ज़ीरो बैक्टीरिया सॉफ्ट ड्रिंक, कि एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई कीटाणु नहीं है। अब जिसके पास थोड़ा सा भी बेसिक कॉमन सेंस है वो ये समझ सकता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक में जैसे ही कार्बोनेशन आ जाता है कोई बैक्टीरिया हो ही नहीं सकता है। तो ये एडवांटेज कंपटीशन के पास भी था, बट उसको किसी ने क्लेम नहीं किया था। हमने लिम्का में क्लेम कर लिया, वो हमारी एडवर्टाइजिंग प्रॉपर्टी बन गई। और मैं आज भी देखता हूँ कि बहुत से लोग सफ़र के दौरान किसी और सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय, कोला के बजाय लिम्का पीना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ख़ासतौर से वो लोग जो 40 से ऊपर के होंगे आज, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उस कैंपेन ने यह डाला हुआ था कि यही एक सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें कोई जर्ब नहीं है, आप एकदम सेफ है, आप कहीं भी पी सकते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हालांकि आप कोक पिए, पेप्सी पिए, थम्सअप पिए, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पिए, उसमें जम्स हो नहीं सकते। तो दिस इज, ये एक्चुअली यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का एक हिस्सा है जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को रॉसरीज ने 3 पार्ट में डिफाइन किया हुआ है। आज यूएसपी एडवर्टाइजिंग में सबसे ज्यादा अब्यूज जार्गन है। मैं दावे से कहता हूं 99.5% ऑफ टुडेज एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल यूएसपी को अच्छी तरह से समझते नहीं है, बट यूएसपी का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं अपनी बातचीत में, अपने प्रेजेंटेशंस में। तो यूएसपी क्या है उस पर मैं एक अगला सेशन बोलूँगा, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा लंबा बोलना भी संभव नहीं है।
बिकॉज इन्हें तीन पार्ट्स आपको समझाने में मुझे एक पूरा सेशन चाहिए होगा। अब यूँ बस समझा दूँ मैं आपको कि रोसर रीज ने तो उसका डेफिनेशन लिखा है, बट उसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था क्लॉड हॉपकिंस ने। क्लॉड हॉपकिंस किसी बियर के ब्रांड पे काम कर रहे थे, तो वो अपने क्लाइंट से पूछते रहे लगातार कि भाई कोई ऐसी चीज़ हो जो आप में हो औरों में ना हो, या शायद औरों में भी हो लेकिन वो क्लेम ना करते हो, आप बता दीजिए। अब आमतौर पर क्लाइंट का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि द नोज इज सो क्लोज टू द पैड, वो अपने प्रोडक्ट्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो ऑब्वियस चीज़ को देख नहीं पाते। इसलिए आमतौर पर जब हम ब्रीफ लेते हैं तो हम क्लाइंट से ब्रीफ लेने के बाद ज़िद करते हैं कि हमको एक फैक्ट्री का विज़िट कर लेने दीजिए, डिटेल्ड विज़िट जिसमें दिन एक दिन दो दिन शायद लग जाए हमको समझने में। तो वही क्लॉड हॉपकिंस ने उस वक्त किया जब वो पियर पे काम कर रहे थे, जब क्लाइंट के पास से कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाई तो वो ज़िद करके क्लाइंट की फैक्ट्री देखने गए। जब वो फैक्ट्री के एक हिस्से से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सेक्शन में बियर की सारी बोतलों को स्टीम से साफ किया जा रहा था, भाप से। नाउ स्टीम भाप से साफ करने में फ़ायदा ये होता है कि बोतल पूरी तरह से साफ़ हो जाती है, उसमें कीटाणुओं के बचने का कोई चांस नहीं रहता। तो उन्होंने क्लाइंट से पूछा कि भाई ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ आप करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, सब करते हैं, ये तो आम तरीका है बोतलें पैक करने का, और सबकी बोतलें जो बियर की वापस आती हैं वो इसी तरह साफ होकर भरी जाती हैं। खैर जब क्लॉड हॉपकिंस वापस अपनी एजेंसी आए तो उन्होंने एक विज्ञापन बनाया, एडवर्टाइजिंग क्रिएट की, जिसकी हेडलाइन बेसिकली थी कि हमारी बियर की बोतलें आपके लिए दोबारा भरे जाने से पहले स्टीम से साफ की जाती हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी ही बोतलें, बट हमारी बोतलें ये साफ था कि भाई शायद औरों की ना साफ की जाती हो, जैसा मैं आपको जीरो बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रहा था। जैसे ही यह विज्ञापन आया बाजार में, जिस बियर पे वो काम कर रहे थे उसकी बिक्री 10 गुना बढ़ गई। उसके बाद दूसरे लोग आके चिल्लाने लगे कि भाई हम भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। तो यूएसपी का एक हिस्सा ये है कि वो प्रोसेस या वो इंग्रेडिएंट जो आपके कंपटीशन में भी हो, या कोई ऐसी खास क्वालिटी जो कंपटीशन में भी हो, आप में भी हो, बट अगर कंपटीशन उसे क्लेम ना कर रहा हो और आप क्लेम कर लें तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है, और एक रास्ता खुल जाता है प्रोडक्ट को सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने का। तो यहां पर आकर मैं फिर रुकता हूं, कोशिश करूंगा कल फिर लौट के आऊं और फिर आपको कैंपेन की तरफ बढ़ने के और गुण भी सिखाऊं। अब 3 पीस थे इसमें, जिसमें से मैंने फिलहाल सिर्फ 1 पी पे बात की है। सो अगले दूसरे पी हम लोग कल और परसों कवर करेंगे। तो इससे पहले कि आप अपनी पेंसिल उठाएं किसी भी प्रोडक्ट की कैंपेन लिखने के लिए, ये याद रखिए कि आपको वो 3 पीस अच्छी तरह समझने होंगे, तब जाके वो कैंपेन आपकी सक्सेसफुल कैंपेन बनेगी और क्लाइंट आपके गुण गाएगा।
आप जो कहेंगे वो मानेगा। आज हो सकता है कुछ प्रोफेशनल्स को ये महसूस होता हो कि क्लाइंट्स बात नहीं सुनते, वो इसलिए नहीं सुनते हैं कि शायद हम लोग आजकल अपने काम की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान देना भूल गए हैं। कल फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।